से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग दो दिन से एक बहन का कुछ कंप्लेंट जो आया उस पर जवाब दे रहा था। वो बहुत ही नाराज हैं। जो वीडियो का जितने भी लिंक डाल करके मैंने दिया, क्योंकि उनके जितने भी सवाल है उसका जवाब हमारे ही क्लासों में हो चुका था, और मैंने बड़े प्यार से उनको ये लिंक डाल करके दिया, आप इसको देख लीजिए, ये रिक्वेस्ट भी किया। कहते हैं हमारा कोई वीडियो उनको देखना नहीं है, मेरे पास बाइबल है, मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन आप एक एक कर करके उसका उत्तर दो। कई लोग इस प्रकार का अनेकों टिप्पणियां लिखते। मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पास हर एक व्यक्ति को मोबाइल के अंदर आपके टिप्पणी का उत्तर लिखने का समय नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। जैसे मैंने एक क्लास लेकर के ताकि वो टिप्पणी अनेकों लोगों के लिए फायदा दे, आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, और यदि वो क्लास हुआ है उसका मैंने लिंक डाल करके भी दिया है ताकि आप लोग उसको ओपन करके देख ले, समझ ले। और कुछ लोग जैसे देखने के लिए मिलता है कोई भी क्लास है उसमें झूठ झूठ लिखेगा, झूठ है तो सही क्या है भाई, ये तो बता दो। आपका वो झूठ लिखने से जो सत्य बात झूठ नहीं हो सकता। यदि आपको कोई भी बात झूठ लिख रहा है उसको बता दे क्या है सही, ताकि अन्य लोगों को भी वो सही समझ में आ जाए, क्या झूठ बोला वो समझ में आ जाए। हाँ, यदि जो पाषंडी कलीसियां जो सिखा रहा है पाषंडदाय, हम लोगों ने देखा है अनेकों इस प्रकार का पाषंडदाओं का पोल मैंने खोला है, जो झूठ झूठी शिक्षाएं दे रहा है। इन दिनों में मैंने अनेकों क्लास डाल करके एक एक का पर्दाफाश किया है, जो गलत है वो गलत है। और आप लोगों के बीच में भी भिन्नताएं हैं। यदि हम झूठ है, कैथोलिक कलीसिया झूठ है, आप तो सही हो, आप में एकता तो हो। उदाहरण के लिए आप में कई लोग इतवार को मानते हैं। अभी हाल ही में ही एक बहन जेनिफर इतवार के विषय में टिप्पणी डाला है। मैंने भी उनको भी जो क्लास लिया हुआ है, हम लोगों ने इतवार विश्राम दिवस इसके ऊपर क्लास लिया है, इतवार के ऋण के ऊपर क्लास लिया है, और हाल ही में ही मैंने एक क्लास लिया था जो एक भाई ने लिखा, जो संडे जो मना रहा है वो कॉन्स्टेंटाइन का, वो मूर्ति पूजक था, वो सूर्य भगवान का पूजा करता था, इसलिए इतवार को वो पवित्र मान करके पवित्र दिन बना करके दिया। उस दिन से कॉन्स्टेंटाइन के दिन से इतवार को मनाना शुरू किया। बहुत लंबा चौड़ा एक क्लास एक पास्टर डाला था, मैंने उसका भी उत्तर एक क्लास के रूप में प्रूफ कर दिया। संडे मनाना आदिम कलीसिया से, ईसा मसीह के जीव उठने से तुरंत संडे पवित्र दिन, ईसाइयों के लिए पवित्र दिन इतवार का दिन है, उसको प्रभु का दिन कहते हैं। इतवार के दिन को प्रभु का दिन कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह संसार को मुक्ति दे करके जो क्रूस पर मरा और वो जीव उठा। जीव उठना जरूरी है, यदि मर करके दफन विधि में दफनाया गया वो फिर जीव नहीं उठा, कोई मतलब नहीं था, वो कैसे ईश्वर हो सकता है। तो ईसा मसीह का जी उठना हम क्रिस्तियों के लिए एक नया जीवन दिया, स्वर्ग राज्य दिया, स्वर्ग राज्य का द्वार खोल करके देना,
वो इतवार के दिन के जी उठना, इसलिए उसको हम लोग पवित्र दिन मानते हैं। ईस्टर पर्व के रूप में हमें हम लोग इसको मनाते हैं। हर इतवार को कहा जाता है एक छोटा ईस्टर है। हर इतवार एक छोटा ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। वो आदिम कलीसिया से प्रेरित चरित्र के अंदर मैंने वो क्लास के अंदर पूरा बता कर दिया, इसलिए ज्यादा गहराई में वहां नहीं जा रहा हूं। तो हम डाल करके दे रहा है, जो क्लास हो चुका है बार बार उस क्लास को दोहराते रहना मेरे विचार में वो अच्छा नहीं है। अनेकों लोगों को सीख चुका है इसलिए मैं बोल करके दिया। तो हाँ, इस बहन को भी, जेनिफर बहन को भी मैंने डाल करके दिया है, आप इस क्लास को देख लीजिए। 3 लिंक मैंने उनको भेजा है। अभी आपका काम है उसको देखना और समझना। प्रथम दिन इतवार को मनाया, उसको पवित्र रखा और कैथोलिक कलीसिया उस पर 2000 साल से चल करके आ रहा है। यदि किसी को आपत्ति है, वो आपत्ति क्रिश्चियन का आपत्ति नहीं है, अन्य किसी धर्म का आपत्ति को आपने सीखा उसका पीछा कर रहा है। ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग इतवार को ही पवित्र दिन मानते हैं और उस पवित्र दिन का ऋण है। आपको इस दिन को पवित्र रखना जरूरी है। अनेकों क्लास डाल करके दिया है। तो बीच बीच में ऐसा झूठ लिखने से या कुछ उल्टा पुल्टा टिप्पणी लिखने से वो बात सही नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे एक डेविड डी कोस्टर, इसे पूर्व में भी अनेकों बार वो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ लिखते हैं, बोलते आए। आजकल मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उनके नाम से वहां टिप्पणियां हैं। और अनेकों लोग अपना नाम नहीं लिखते हैं। मैं कई लोगों से पूछा, आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय तो दे दो। आप टिप्पणियां तो अच्छा लिख रहा है, अपना परिचय भी होना चाहिए अपने नाम से। यदि आप किसी अन्य नाम से यूट्यूब खोला है, कम से कम टिप्पणी के साथ अपना नाम, अपना परिचय लिखना, ये एक अच्छा आदत होता है। अन्य लोगों का जो पीछे अंधेरे में बैठ करके जो पत्थर फेंक रहा है, उसका कोई मान्यता नहीं है। कौन उसको क्या बोलता है सीरियसली लेगा। आप अपना परिचय दो, आप कौन है, क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे ना। जैसे भाई डेविड डी कोस्टा लिखते हैं, मैं वचन को गलत रीति से सिखा रहा। मैंने वाहम पर भाई को उत्तर तो दिया है और मैं आप सबों को बोलना चाहूंगा, मैं एक कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षक हूं। कैथोलिक कलीसिया मुझे जो अनुमति दिया है कलीसिया के लोगों को सिखाने का, यदि मैं कुछ भी गलत सिखाऊंगा, मेरे ऊपर पुरोहित लोग हैं, मेरे ऊपर बिशप लोग हैं, वे लोग मुझे ठीक करने के लिए, समझाने के लिए, मेरे गलती समझाने के लिए और ये नहीं करना ये बोलने के लिए अधिकारी है। और दूसरी बात है, यदि आपको लगता है मैं कुछ गलत बता रहा हूं, गलत सिखा रहा हूं, तो आप हमारे कैथोलिक कलीसिया के किसी भी पुरोहित को या बिशप को शिकायत कीजिए, मेरा कौन सा क्लास आपको गलत शिक्षा दे लग रहा है, वो उनको दिखाइए, उनको बताइए, ताकि वे आधिकारिक रूप से मुझे करेक्ट करेगा। मुझे इसके बाद वचन का क्लास लेने के लिए मना भी कर सकता है, मैं उनको सुनूंगा जरूर। लेकिन जो पाषंडताओं के पीछे जाकर के अन्य कलीसिया में रह करके मुझे, मैं भी आपके समान बनूं, ये बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा। क्यों आप अपना समय को बर्बाद कर रहा है? क्योंकि मैं जो कुछ सिखाऊंगा, जो कैथोलिक की कलीसिया जो आधिकारिक रूप से जो सिखाते हैं, केवल वही सिखाऊंगा। जो बाइबल को किस प्रकार
कैथोलिक कलीसिया सिखा रहा है, क्योंकि कलीसिया को अधिकार मिला है। बाइबल किसने दिया? कैथोलिक कलीसिया ने 382 के रोम के जो सिनड है वहां पर 73 किताबों का जो बाइबल बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उस कलीसिया को अधिकार है जो बाइबल को हमें सिखाने का, क्या इसका मतलब है, क्या व्याख्या करके देना, उसका अधिकार है। मेरे बुद्धि के अनुसार मैं अगर इसको सिखाना शुरू करूंगा 130-140 करोड़ के जनसंख्या भारत देश में है, उसमें अगर 2% ईसाई लोग हैं, वो 2% कम से कम मेरे हाल में वो भी करोड़ों में है, तो उतना लोग यदि बाइबल को अपना मर्जी से सिखाना शुरू करेगा, बाइबल का अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा। सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे दारू पीने वाला बोलेगा देखो बाइबल में तो दारू पीने के विषय में लिखा हुआ है, थोड़ा सा संयम से पीना है तो संयम से पी लो। जो भूखे हैं वो चोरी कर करके बोलेगा मेरा भूख मिटाने के लिए, वहां से तो भूखे लोग ये इस प्रकार लेने के विषय में लिखा हुआ है, मैं ले सकता हूं। हत्या करने वाला बोलेगा मैं अपना जीवन बचाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया, डिफेंस में वो मर गया। अपने मर्जी से, इसका मतलब बाइबल के व्याख्याओं व्याख्या कर करके मतलब निकाल करके चलना शुरू करेगा, ये बड़े खतरनाक है। इसलिए पेंटेकोस्टल कलीसिया 40,000 में टूटने के पीछे का कारण यही है, अन्यथा वो एक कलीसिया होना चाहिए था। अभी कैथोलिक कलीसिया क्यों एक है? क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में एक ही शिक्षा चलता है, एक ही नियम चलता है, चाहे वो बिशप क्यों ना हो, गलत सिखाए उनको कलीसिया मना करता है। किसी भी व्यक्ति है, चाहे कितना भी ऊपर का पद का व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उनके सामने क्या है, कुछ नहीं है। तो कैथोलिक कलीसिया एक ही शिक्षा देता है। तो कुछ पॉइंट पॉइंट वाइज बोलकर बोलने के लिए बोला। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने मांगा है जो मूर्ति के विषय में, हमारी बहन रेचल डिजूसा जी, मूर्ति के विषय में मैंने 8-10 क्लास मैंने आपको उस लिंक डाल करके दिया, देख लेना चाहिए। अब तक मैंने 8-10 क्लास केवल मूर्ति मूर्ति के विषय में मैंने लिया है, उस मूर्ति के क्लासों को देख लीजिए, बार बार उसको बोल करके देने के क्या जरूरत है। संक्षिप्त में आपको पॉइंट चाहिए, कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा नहीं करते। तो किसी ने ये लिखा था कैथोलिक चर्च के अंदर उनका नाम वगैरह तो नहीं है, जैसे एक लिखा हुआ है मार्क्स, मैंने सोचा क्या कार्ल मार्क्स तो नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है और अपना नाम नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे लिख करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े टिप्पणियां लिख रहा है। कैथोलिक कलीसिया में मूर्ति, मेरे घर में भी मूर्तियां हैं, वो पूजा करने के लिए नहीं है। मैंने किसी के जो टिप्पणी जो लिखा था उसके अंदर लिखा था, जो अमेरिका में या इंग्लैंड में कई जगहों पर ऐसा म्यूजियम है जहां पर जो बड़े बड़े जो नाम वाले या कुछ अच्छे कर्म करने वाले, चाहे खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार हो या योद्धा हो, ऐसे ऐसे लोगों का मूर्ति बना कर रखा। तो ये बहन, मेरे विचार में जेनिफर बहन ने भी एक सवाल किया था, मूर्ति केवल मृतक लोगों का बनाता है? नहीं बहन, नहीं, मूर्ति जो अच्छे लोगों का, आदरणीय लोगों का बनाया जाता है, मृत लोगों का नहीं। कहीं भी नियम नहीं है केवल मरने के बाद मूर्ति बनाना है। हमें मालूम है हमारे ही देश का एक चीफ मिनिस्टर अपना मूर्ति बनाया था,
हर गार्डन में अपना मूर्ति बना करके अपने पार्टी का चिन्ह अपना मूर्ति सब स्थापित किया। वो स्वयं जाकर के अपने मूर्ति पर माला भी डाला था। खैर वो छोड़िए, मृत लोगों का नहीं, माननीय लोगों का, आदरणीय लोगों का, जिसको हम आदर सम्मान देना है, उन लोगों का मूर्ति बनाया जाता है। ये जो सिखा रहा है, कोई भी व्यक्ति सिखा रहा है मृत लोगों का मूर्ति बनाता है, ये गलत शिक्षा है। इसलिए जो ब्रिटेन में जो एक मैडम कुछ नाम का है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, वो एक म्यूजियम है, वहाँ पर हमारे देश का भी अनेकों लोगों का मोम का मूर्ति जो बनाता है, मोम का मूर्ति, यूं देखने से हमें पता नहीं चलेगा ओरिजिनल कौन है, मूर्ति कौन से है, ऐसा फोटो भी खींचा जाता है मूर्ति बनने के बाद। तो आप ये बोलना गलत है केवल मृत लोगों का मूर्ति नहीं, आदरणीय लोगों का कभी भी मूर्ति बना सकता है। हाँ, साधारणता हम नेता लोगों का, ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं मरने के बाद उनका आदर सम्मान देने के लिए मूर्ति बनाता है। तो आपका टिप्पणी था ईश्वर का मूर्ति जो बना रहा है ये गलत है, वो जीवित है, यीशु जीवित है, इसलिए उनका मूर्ति नहीं बनाना है करके। तो ये जो हमारा संत लोग है, हम कैथोलिक के लोगों के लिए वे लोग मरे नहीं है, संत लोग जीवित लोग हैं। संत लोग शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, जैसे ईसा मसीह नहीं है, उसी प्रकार हमारे संत लोग भी कलीसिया का एक मेंबर है, एक सदस्य है, इसीलिए उनका आदर सम्मान करते हैं। हम लोग उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके। और संतों से प्रार्थना नहीं करना ये सब आप लोग बोलते हैं, ये भी गलत है। मैं जब प्रकाशना ग्रंथ का जो क्लास ले रहा था, मुझे याद है अध्याय 8 का वाक्य 1-4 तक का पढ़ना, वहां पर भी इसके विषय में मैंने बता करके दिया था, संतों की प्रार्थना के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। जैसे कैथोलिक चर्च में जो मोमबत्ती जला रहा है या धूप जो चढ़ा रहा है, इसमें आपका आपत्ति, ये जो आदर सम्मान देने के लिए मोमबत्ती को जो जला रहा है, आदर सम्मान देने के लिए सबसे पहले, दूसरा संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह का एक प्रतीक भी है, उनका उपस्थिति का एक प्रतीक भी वहां पर बताता है ये मोमबत्ती को जला करके। तो उस स्थान को उसके अनुसार जो बनाना है, ये उस जगह में आकर के प्रार्थना करने वालों का भक्ति और हृदय मन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए ये एक हेल्पफुल है, इसलिए इस प्रकार का कार्य करता है। आपका कहना था मूर्ति नहीं बनाना, बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर मूर्ति ना बनाने का नियम है। अब आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, किसी भी अन्य देवी देवताओं का मूर्ति बनाकर ये ईश्वर है बोल करके उनका पूजा करना बाइबल के अनुसार मना है। हमने क्लास के अंदर बोल करके दिया है, जो मूर्ति है जो बना रहा है, जो मूर्तिकार कलाकार, उनको कला का कृपा, वो एक अनुग्रह आशीष है, मैं नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकता है। उन कलाकारों को एक कला ईश्वर से मिला है, वो एक आशीष है, ईश्वर ने जिस आशीष दिया उसके अनुसार वो कलाकार जो मूर्तियां बनाता है उसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? ईश्वर ने मूसा नबी से भी कहा था, तुम कांसे का एक सांब बनाओ, क्या वो मूर्ति नहीं है? केरूबों को बनाना, जहां ईश्वर की उपस्थिति है वहां दोनों साइड में मूर्ति बनाकर रखो, इसका मतलब मूर्तियों के बीच में विराजमान हमारा ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए मना कैसे कर सकता है?
तो मूर्ति बनाना नहीं, बनाना पाप नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा करना पाप है। अब आपका सवाल है, क्या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, सिर झुकाना पाप नहीं है, दंडवत करना पाप नहीं है? मैंने इसका दो उदाहरण बोल करके दे चुका हूं। प्रकाशना ग्रंथ 22 के अंदर वाक्य 6 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर संदयोहन स्वर्गदूत के सामने दंडवत करते हैं। वहां पर मैंने बोल करके दिया, वहां पर स्वयं संदयोहन बोलते हैं, मैं उस स्वर्गदूत के सामने इसलिए दंडवत किया ताकि उनकी आराधना करे। आराधना करने के लिए जब दंडवत किया, वहां पर स्वर्गदूत ने उन्हें डांटा और मना किया। और अध्याय 19 के अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ा है, अध्याय 19 का वाक्य 10 से आगे भी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा। वहां पर भी संदयोहन उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए दंडवत किया था। किसी भी मनुष्य के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने या किसी भी चित्र के सामने उसकी आराधना करने के लिए दंडवत करता है, वो पाप है, वो पाप है। आराधना केवल ईश्वर के लिए होता है। मैंने इसका भी एक क्लास लिया था, दूलिया, हाइपर दूलिया, इसका क्या अर्थ है, और आराधना ईश्वर के लिए आराधना जो करना, इसका भी एक क्लास ले चुका हूं, तो नियमित रूप से क्लास देख लीजिए। और साथ ही साथ मैंने जोशुआ का ग्रंथ का अध्याय 6 को निकाल करके मैंने बता करके दिया था, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 का, अध्याय 5 का वाक्य 14 में, जोशुआ अध्याय 5:14 के अंदर, वहां पर जोशुआ स्वयं स्वर्गदूत के सामने दंडवत किया। वो आराधना करने के लिए नहीं था, वो स्वर्गदूत का आदर करने के लिए था। तब स्वर्गदूत ने मना नहीं किया। जहां पर योहन ने आराधना करने के लिए दंडवत किया, वहां पर स्वर्गदूत ने मना किया। जहां पर आदर देने के लिए दंडवत किया, वहां पर मना नहीं हुआ। कैथोलिक कलीसिया भी यही सिखाते हैं, आप किसी भी संत के सामने हो या किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने, चाहे अपने माता पिता के सामने क्यों ना हो, उनका आदर सम्मान देने के लिए आप दंडवत कीजिए, उनका पैर छू लीजिए, उसमें कोई पाप नहीं है। यदि वो मेरा ईश्वर है ये बोल करके उनकी आराधना करने के लिए, चाहे किसी भी मनुष्य का, किसी चित्र का, किसी मूर्ति के सामने सिर भी झुकाने की जरूरत नहीं, हाथ भी जोड़ दिया, या आप मन में भी ऐसा एक विचार लाया, वो आत्मारु पाप है। ईश्वर के सामने ही केवल हमें आराधना अर्पित करना है, अन्य किसी को भी आराधना नहीं अर्पित करना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया चाहे मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा हो, वो मूर्ति जिसका है उसको आदर देने के लिए। मैं इसलिए बार बार बोल करके दे रहा हूं, महात्मा गांधी का मूर्ति के सामने यदि हम हाथ जोड़ते हैं, महात्मा गांधी को आदर देने के लिए, यदि माता मरियम के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, उस मूर्ति के लिए नहीं, वो मूर्ति जिसका, माता मरियम का आदर करने के लिए। ईसा मसीह की मूर्ति के सामने दंडवत करता है, उस मूर्ति की आराधना के लिए नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसकी आराधना करने के लिए। इसलिए ये पाप नहीं है। बाइबल में किसको पाप माना है? यदि बेचड़े को निर्माण करके बोला यही ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से लेके आया, इसके बाद उस ईश्वर का, उस बेचड़े का पूजा करना शुरू किया, वहां पर पाप था। यरूशलेम मंदिर में भी बेचड़े का मूर्ति बनाकर रखने के लिए ईश्वर ने आग्रह किया, ईश्वर ने आग्रह किया, उसका पूजा करने के लिए नहीं था, उस मंदिर का शोभा बढ़ाने के लिए।
या आपको याद दिलाने के लिए। तो ईश्वर ने ही केरूबों को बनाने के लिए बोला, उस केरूब की पूजा करने के लिए नहीं। हमें मालूम होना चाहिए उस केरूब, हमें केवल केरूब दिखाई देता है, ईश्वर की उपस्थिति वहां दिखाई नहीं देता था। जहां मंजूषा के सामने लोग दंडवत होते थे, इसराइली लोग, सभी पुरोहित लोग, मूसा नबी सब दंडवत जिसके सामने करता था, उस मंजूषा में दो मूर्ति ही दिखाई देता था। इसका मतलब वे लोग भी मूर्ति के सामने दंडवत किया था, मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं था। दूसरा बात, मूर्ति का मेरे विचार में इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतवार के विषय में मैंने बोल करके दिया, इतवार क्रिस्तियों के लिए, इतवार प्रभु का दिन है, प्रभु का दिन। ये सूर्य भगवान का पूजा के लिए नहीं है, या कैथोलिक कलीसिया का पोप ने शुरू किया नहीं है, ये बाइबल में ही लिखा हुआ है। योहन पत्मोस नामक द्वीप में जब ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, उस टापू में वो इतवार के दिन, सप्ताह के प्रथम दिन, वो प्रार्थना में बैठा हुआ था। और प्रेरित चरित्र के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस कुरिन्थियों को भी लिखते हुए बोलते हैं, सबका आपको कोटेशन दे चुका है। तो ये प्रथम दिन इतवार क्रिस्तियों का पवित्र दिन है। जो साबत है वो आज क्रिस्तीय लोग नहीं मनाता। तो जेनिफर बहन ने एक सवाल उठाया, ईश्वर का जो नियम है, पीढ़ी दर पीढ़ी नियम का पालन करने के लिए था, तो जो साबत, जो शनिवार का, वो उसको क्यों नहीं पवित्र मान रहा है। बहन उसी प्रकार ही है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 11 में लिखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो फॉलो करना था वो एक नियम, एक विधान ईश्वर ने अब्राहम के साथ जोड़ा। विधान का चिन्ह सर्कमसिशन, कथना करना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी करने का ईश्वर ने विधान जोड़ा। अब्राहम को 99 साल का था, अब्राहम ने उस दिन 99 साल का अब्राहम ने उस दिन कथना किया। उसका बेटा इस्माइल उस दिन 13 साल का था, 13 साल का इस्माइल ने भी अपना सर्कमसिशन कथना करवाया, और उनका नौकर चाकर सब। तब से लेकर इसके बाद इसहाक का जन्म का 8वां दिन एक नियम प्रभु ने बना कर रख दिया, जन्म से 8वां दिन एक कथना करना। इसके द्वारा ईश्वर ने एक विधान जोड़ा है। आज वो विधान हमारा बपतिस्मा है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया जन्म से 8वां दिन से बपतिस्मा बच्चों को देता है, ईश्वर में जोड़ने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया हुआ वो नियम अभी क्रिश्चियन लोगों के लिए बपतिस्मा है, प्रभु का दिन है, ना कि शनिवार का दिन, विश्राम दिवस। इस प्रकार का कई है, समय फिर ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आज का क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ। मेरे विचार में मुख्यतः दो तीन बातें मैंने बोल करके दिया, कई क्लासेस के ऊपर हुआ है, बार बार इस प्रकार का टिप्पणी लिख करके समय को बर्बाद मत कीजिए, सीखने का प्रयत्न कीजिए। मेरे इस चैनल के अंदर अनेकों ऐसा अच्छे अच्छे क्लास है, सीख लीजिए। जो आपको गलत लग रहा है आप उसका कंप्लेंट कीजिए, या क्या गलत है उसको बताओ, झूठ लिखने से या ये गलत है बोलने से क्या है गलत है, क्या बोला है, क्या सही है, क्या गलत है, बताइए ना, लिखिए ना। ये झूठी शिक्षा जो सुन करके जो पाषंडी लोग जो सिखा रहा है वो पाषंडता हमें नहीं बताना, हम नहीं स्वीकार कर सकता, पाषंडता का खिलाफ है। जो चर्च सिखाता है, बाइबल सिखाता है, वो हम सिखाएंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के दिन को पवित्र रखने का निर्णय करें, प्रभु का आदर सम्मान करने के लिए, संतों का आदर सम्मान करने के लिए, उनका चित्र बनाना या मूर्ति बनाना, उसके सामने हाथ जोड़ना या उनके सामने मोमबत्ती जलाना, यह सब पाप नहीं है, उनका आदर है। पाप तब है जब ईश्वर से
बढ़कर के उनको मानना। प्रभु के लिए समय नहीं, संतों के लिए समय है। संतों की पूजा आराधना कर रहा है, जो मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते, जो ईसा मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करता, जो प्रभु ने जो सिखाया प्रार्थना नहीं करता। प्रभु ने बोला ये मेरे स्मृति में किया करो, वो मिस्सा बलिदान हर रोज अर्पित नहीं करता, इनमें विश्वास नहीं करता, ये पाप है। निर्णय कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए, ऐसे सभी लोगों को इस सिनडल वर्ष में सत्य को जानने का कृपा मिले। जो कलीसिया से दूर भटक गया है उनको सही मार्ग हम बता कर देंगे। निर्णय कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का भी आप प्रयत्न कीजिए। निर्णय कीजिए, कम से कम आप 10-20 लोगों को इस चैनल को पहुंचाएंगे, ताकि सत्य को लोग जाने। जो कलीसिया से दूर है, जिनके मन में डाउट है, वो डाउट वो दूर कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।